जब घर में कोई सब्जी ना हो और नॉनवेज पनीर से भी कुछ अच्छा खाना हो तो बेसन की इस सब्जी को जरूर बनाइएगा, बिना प्याज बिना टमाटर के। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है। आप बेसन को यहाँ पे छान कर ही लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बरसात का टाइम आ गया है, ऐसे में बेसन में गुठलियाँ भी हो जाती हैं और इसमें अगर गंदगी हो तो वो भी निकल जाता है। तो बेसन को हम यहाँ पे छान कर ही इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे हमने बेसन को छान लिया है, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया आधा चम्मच नमक, साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना तीखा पसंद हो, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच ही हींग डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल ज़रूर डालिएगा फ्रेंड, इससे ये बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम टाइट सा डो लगाएंगे। तो एक बार में पानी नहीं डालिएगा फ्रेंड, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इस तरह से बेसन की सब्जी बनाएंगे फ्रेंड तो फिश भी खाना आप भूल जाओगे, इसके सामने फिश भी आपको फीकी लगेगी। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का डो लगाना है, ये देखिए फ्रेंड। हाथों को क्लीन कर लेंगे और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक लोई को लेंगे और हाथों में इस तरह से फ्लैट करेंगे। तो बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत मोटा भी नहीं, कुछ इस तरह से फ्रेंड, ये देखिए। यहाँ पे लिया है मैंने पेन या इस तरह का अदरक कूटने वाला वो भी ले सकते हैं, तो पेन तो सबके घर में ही होता है। तो बीच में पेन को इस तरह से रखेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इधर साइड में इसे हम फिंगर की मदद से अच्छे से चिपका देंगे, कुछ इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड। हाथों से इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना रहे। तो ये देखिए, ये हमारा एक बनकर तैयार है। तो दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आप इस रेसिपी को जिसको भी दोगे वो पूछेगा कि आपने कैसे बनाया है फ्रेंड, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने लिया है गैस पे एक कढ़ाई, जिसमें मैंने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में बॉयल्ड आ गया है तो इसमें हम बेसन को डाल देंगे और इसे डालकर एक बार चला लेंगे ताकि नीचे से चिपके ना, और इसे हम कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल्ड होने देंगे। इतने देर में ये अच्छे से बॉयल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, 7 मिनट तक हमने इसे बॉयल्ड किया है और ये अच्छे से बॉयल्ड हो गया है। और ये कुछ इस तरह का होना चाहिए, ये देख सकते हैं ऊपर से दानेदार दिख रहा है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें इसका पानी को फेंकना नहीं है, इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए मसाला निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों, मैंने यहाँ पे पीले वाले सरसों का इस्तेमाल किया है, आपके पास काला जो भी हो ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें ले लेंगे 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। यहाँ पे लिया है मैंने 5 से 6 काली मिर्च और 1 हरी इलायची। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने छील लिया है। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो आप यहाँ पे लहसुन स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इसे हम फाइन पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को पीस के निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना तीखा पसंद हो। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने मिर्च पहले भी डाला था तो ध्यान में रख के डालिएगा मिर्च फ्रेंड। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है और ये भी हमारा ठंडा हो गया है, तो बस हम इसे कट कर लेंगे। तो पतले पतले पीसेज में कट करना है फ्रेंड, बहुत मोटे नहीं रखना है। और आपको काटने से ही समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पे सारा कट कर लेंगे और इसका लुक भी एकदम फिश की तरह आता है फ्रेंड। और ये देखकर कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बेसन से बनाया है। तो आप इसे इस तरह से भी खा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसे फ्राई करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए।
यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम इस बेसन के फिश को डाल देंगे और इसे हम उलटते पलटते अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। हार्डली ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये बॉइल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, इसमें एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और बचे हुए बेसन के फिश को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। यहाँ पे हमने सारे बेसन के फिश को फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और साथ ही 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और थोड़ी सी हींग, और जो हमने मसाले को पीस के तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो सारे मसाले को इसमें डाल दें और मसाला यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी लेके इसे भी डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसमें नमक। तो बेसन में हमने नमक पहले डाला है तो बस ग्रेवी के लिए नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ। मिला दें इन सबको और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तेल भी साइड से दिखने लगा है। तब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया है। तो दही डालते टाइम आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा या तो गैस को बंद कर दीजिएगा, जिससे कि दही फटे ना। और दही डालने के बाद इसे आपको लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि मसाले में बॉयल ना आए, नहीं तो दही फट सकती है। अगर आप यहाँ पे दही नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम सब्जी बिना प्याज बिना टमाटर का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे टमाटर और ना ही खटाई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छे से भून गया है। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। जो बेसन को बॉयल करते टाइम पानी रखा था उसी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इसमें हम 1 गिलास पानी और डालेंगे। मिला देंगे इन सबको। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया। मिला दें इन सबको। अब इस टाइम हम इसमें बेसन के फिश को डाल देंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा पानी को सूखता भी है, तो इस वजह से हम इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल देंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट बाद यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारी बेसन की फिश करी बनकर तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड ये सब्जी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की एकदम नई रेसिपी, वो भी बिना प्याज बिना टमाटर के। और सच मानिए फ्रेंड, हफ्ते में 4 दिन आप इसे ही खाना पसंद करोगे। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है। आप बेसन यहाँ पे छान कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे में बेसन में कीड़े भी हो सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी पत्ता गोभी। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हमने यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है। तो इसे हमने एकदम फाइन चॉप करके लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसी तरह से आपको फाइन चॉप करना है। नहीं तो आप इसे कद्दूकस कर सकते हो या तो हैंड मिक्सी में इसे ग्रेट भी कर सकते हो। अब साथ ही हम इसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, 1/2 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे अजवाइन डाल दे रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ही नमक। नमक हम आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो नमक ध्यान में रख के डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम मिर्च बाद में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब इन सबको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे।
आप यहाँ पे चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे क्रश करके डालने से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने किस तरह से क्रश किया है। इन क्रश किए हुए मसालों को हम बेसन में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए खूब सारा हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। इससे इस रेसिपी में सॉफ्टनेस भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आपको सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप सरसों तेल नहीं खाते तो जो भी तेल खाते हो ले सकते हैं। और इसे हम हाथों से अच्छे से मस लेंगे। अभी आपको इसमें पानी नहीं डालना, पहले आपको इसे अच्छे से हाथों से मसल लेना है जिससे कि सब्जियों में जो मॉइस्चर हो वो सारा रिलीज हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे हम गूंथ लेंगे एकदम आटे की तरह। अगर आप पानी पहले डाल दोगे तो ये गीला हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा डो रेडी है। हाथों को क्लीन कर लेंगे और इस डो को हाथों में लेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। मैंने आज इस रोल को केवल पत्ता गोभी का इस्तेमाल करके बनाया है। अगर आप प्याज खाते हो तो इसमें प्याज भी डाल दीजिएगा, और भी अच्छा लगता है फ्रेंड। लेकिन आज हम बिना प्याज का बिना टमाटर का बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और भी अगर आपको सब्जियां पसंद हो तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जाली वाली एक थाली और इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है गैस पे एक कढ़ाई जिसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस कढ़ाई के ऊपर जाली वाली थाली को रख के इसे हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, इसे स्टीम होते हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं और ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। आप एक नाइफ को लगा के चेक कर सकते हैं, क्लीन निकल रहा है, मतलब कि ये अच्छे से स्टीम हो गया है। ये जब तक ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी और उसमें हम ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। मैंने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप इस रेसिपी में एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, 1 दिन पहले की दही का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले लेंगे जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे इस रेसिपी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मसाला हमारा यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 2 चम्मच बेसन और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इसमें हम पानी डाल के इसका हम पतला सा बैटर तैयार करेंगे। हमें इसका बैटर एकदम पतला ही तैयार करना है, गाढ़ा नहीं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। हमारा पत्ता गोभी बेसन का रोल भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो बस हम इसे कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पे आप इसे कट कर लो। और आपको एक बात यह दिला दूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पर यह देखिए फ्रेंड, हमने सारे रोल को कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इन टिक्कियों को इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए इन टिक्कियों को हम पहले बैटर में अच्छे से डीप करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल यहाँ पे हमारा गर्म है, तो इस गर्मा गर्म तेल में इन टिक्कियों को डाल देंगे। और टिक्कियों को डालने के बाद हमें तुरंत टच नहीं करना है, जब ये हल्का सेक जाएगा तब हम इसे उलटते पलटते अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड इसका फाइनल रिजल्ट, ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस हम इसे निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बचे हुए टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है, जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम हटा देंगे और 2 चम्मच के करीब तेल हम इसमें रहने देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, और जीरा के चटकते ही जो हमने दही वाला मसाला बनाया था उसे डाल देंगे। और साथ ही हम कटोरी को भी धुल के सारे मसाले को इसमें डाल देंगे, वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे हमें मसाले को। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि मसाले में बॉइल्ड ना आ जाए, नहीं तो दही फट जाएगी।
यहाँ पे मसाले में बॉयल्ड आ गया है, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो आप केवल अदरक का पेस्ट डालिएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इन मसालों को चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, या तब तक जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से भून न जाए। सावन में बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उस तरह से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तब हम इस टाइम इसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। मिला देंगे इन सबको और इसमें हम एक बॉयल्ड आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, तरी में बॉयल्ड आ गई है, तब इस टाइम हम इसमें पकौड़ों को डाल देंगे। सोच रहे होंगे फ्रेंड, बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी गाढ़ी कैसे होगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 4 मिनट बाद इसका आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड, और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। अभी इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, पत्ता गोभी और बेसन की एकदम नए तरीके से सब्जी बनकर तैयार है। इसे खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे पत्ता गोभी से बनाया है। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बिना टमाटर का आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी, जो कि देखने में भी चिकन की तरह और खाने में भी टेस्ट चिकन की तरह लगेगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बेसन ले लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें लेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक और लहसुन, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। आप यहाँ पे लहसुन और अदरक को क्रश करके ही डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या 1/2 छोटा चम्मच, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मोयन के लिए 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे बेसन में तेल अच्छे से आ जाए। जिस तरह से हम कचौड़ी बनाने के लिए मोयन लगाते हैं, उसी तरह से हमें इसके लिए मोयन लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। हमें इस डो को बहुत नहीं गूंथना है, बस इतना गूंथना है जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए। इस डो को आपको एकदम स्मूथ नहीं करना है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डो लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो में से थोड़े थोड़े पार्ट को लेंगे और इसे अलग अलग कर लेंगे, मतलब इस तरह से। आपको रफली यहाँ पे करना है, उसे स्मूथ नहीं करना है, और बहुत बड़े साइज का नहीं रखना है फ्रेंड। तो सारा हम इसी तरह से इसे अलग अलग कर लेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने इन सारे बेसनों को अलग अलग टुकड़ों में कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने गैस पे कढ़ाई, इसमें हम 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप भी फ्रेंड सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और तेल के गर्म होते ही इसमें हम सारे पकौड़ों को डाल देंगे। ये डो एकदम टाइट है, इस वजह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और इजीली अलग अलग हो जाएंगे। सारे डो को डालने के बाद एक बार इसे चला लेंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें जो क्रैक दिख रहा है ना फ्रेंड, इससे ये एकदम सॉफ्ट भी बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें मोयन लगाया है, और इसका टेक्सचर भी देखकर एकदम चिकन की तरह लगता है। तो आपको इसे एकदम बराबर से गोला नहीं बनाना है, और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, क्योंकि हमने इसे बहुत बड़े साइज़ का नहीं रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। अगर आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा लग रहा होगा तो तेल कम कर दीजिएगा, और साथ ही 1 लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले,
तो इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है जिसे मैंने छील लिया है। ये खड़े लहसुन सब्जी में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने लंबा लंबा इस तरह से कट कर लिया है। प्याज को डाल के एक बार अच्छे से इसे मिला लेंगे। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है फ्रेंड, तो आपको इसे हाई फ्लेम पे ही भूनना है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, या तब तक जब तक कि प्याज अच्छे से भून ना जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा एकदम अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। मिला देंगे इन सबको और इसे हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे। बीच में आप इसे एक बार चला लीजिएगा जिससे कि मसाला जले ना। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है और ये देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है और प्याज भी हमारा अच्छे से गल गया है। हमें इस सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड, बिना टमाटर का ही हमें इसे बनाना है, तभी एकदम चिकन की तरह इसका टेस्ट आएगा। तब हम इस टाइम इसमें डाल देंगे पकौड़ों को और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास पानी और डाल दें तो टोटल यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी डाला है। मिला देंगे इन सबको। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारी बेसन की सब्जी बनकर तैयार है और पकौड़े भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी अच्छे से गाढ़े भी हो गए हैं। तो इसे हम कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो 10 मिनट बाद यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है और ये देख सकते हैं फ्रेंड कि एकदम चिकन की तरह दिखने वाली ये हमारी बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। तो बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर, ऐसे में आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। सावन में जो चिकन नहीं खाते वो ये सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की एकदम नई और एकदम इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके सामने आप मटन, चिकन और फिश खाना भी भूल जाओगे। ये इतनी अच्छी लगती है सब्जी फ्रेंड कि अगर आप एक बार इस रेसिपी को आप बना लोगे तो गारंटी है फ्रेंड कि हफ्ते में 4 दिन आप इसे ही बनाना पसंद करोगे। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया और इसके ऊपर वाले छिलके को हटा दिया है। अब हम इसके डंठल को कट करके हटा देंगे, इस तरह से निकाल दें इसे। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक एक पत्ते को अलग करेंगे। तो सावधानी से अलग करें फ्रेंड जिससे कि पत्ते टूटे ना। हमें इस रेसिपी के लिए खड़े पत्ते चाहिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ पत्तों को अलग कर लिया है। इसके लिए आपको फ्रेश पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करना है फ्रेंड। अब हम इसके जो मोटे वाले ये पार्ट है इसे हमें नाइफ की मदद से कट करके हटा देना है। तो सारा इसी तरह से हम कट करके हटा लेंगे। अगर इसमें ये डंठल रहने देंगे फ्रेंड तो आपको दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए आप इन मोटे डंठल को कट करके हटा दें। यहाँ पे हमने सारे डंठल को कट करके हटा लिया है। यहाँ पे लिया है हमने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 3 बड़ा चम्मच बेसन। आप बेसन यहाँ पे मोटा पतला जो भी हो ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो केवल आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे हींग डाल दे रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसका बैटर एकदम गाढ़ा नहीं तैयार करना है और ना ही बहुत पतला, मीडियम तैयार करना है फ्रेंड। और बेसन को हम 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे।
यहाँ पे हमने इसे फेंट लिया है, तो हमें कुछ इस तरह का बटर चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला। यहाँ पे लिया है मैंने पत्ता गोभी और इसे हम हाथों से इस तरह से फ्लैट कर देंगे। अगर टूट जा रहा है पत्ता गोभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड। और जो हमने बेसन का बटर तैयार किया है इसके ऊपर स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। आप स्पून या स्पैचुला जो भी हो उससे अच्छे से फैला लें, तो बराबर से फैलाएंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और एक साइड से फोल्ड कर लें। थोड़ा सा लास्ट में हम बेसन लगा देंगे जिससे कि ये चिपक जाए अच्छे से। बस इसी तरह से हम यहाँ पे सारा बना लेंगे। चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड। और जो सावन में नॉनवेज नहीं खाते तो वो इस तरह से बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल मछली की तरह लगता है फ्रेंड। आप इसे चाहें तो बिना दोनों साइड से फोल्ड किए भी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा बना लिया है, तो मैं आपको इस रेसिपी को दो तरह से बनाना बताऊंगी। यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच दही। आपको यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, खट्टी वाली दही का नहीं। अब हम इसमें कुछ मसाले लेंगे, जिसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसे क्रश करके हाथों में डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड, ज़रूर डालिएगा। 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला रेडी है। यहाँ पे लिया मैंने गैस पे एक कढ़ाई और इसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, इससे इस रेसिपी में और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हो तो जो भी तेल खाते हो उसमें इसे बना सकते हैं। और इसमें हम पत्ते गोभी को डाल के पलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। मैं आपको इस रेसिपी को दो तरह से बनाना बताऊंगी। यहाँ पे जो बेसन बच गया था फ्रेंड, उसमें हम इन पत्ते गोभी को अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बिना बेसन के कोट किए हुए भी बना सकते हैं और इस तरह से भी, और इसे भी हम अच्छे से उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारा ये फ्राई हो गया है। वापस से मैंने वही कढ़ाई ली है और जो इसमें एक्स्ट्रा तेल था उसे हमने हटा दिया है। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें तेल रहने दिया है और हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। और जीरा के चटकते ही यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे या तब तक जब तक कि प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा हल्का भुन गया है। तब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप यहाँ पे लहसुन नहीं खाते तो आप केवल यहाँ पे अदरक का पेस्ट डालिएगा, और अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो आप केवल जीरा डालने के बाद अदरक का पेस्ट डाल दें या अदरक को क्रश करके भी डाल दें। और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दही वाला मसाला। जिस कटोरी में मसाला था उसे भी धुल के डाल देंगे, इसे वेस्ट नहीं करना है। तो इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखिएगा फ्रेंड, नहीं तो दही फट सकती है। और दही को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो दही फट सकती है। यहाँ पे दही में बॉयल आ गई है, तब हम इसमें डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है जिसमें मैंने बीच में कट लगा लिया है। और इन सबको डाल के हम मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे या तब तक जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से भुन ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाला यहाँ पे हमारा अच्छे से भुन गया है। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। मिला दें इन सबको और इसमें हम एक बॉयल आने तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारी तरी में बॉयल आ गई है। तो एक बार इसे मिला देंगे और इसमें हम अपने फ्राई किए हुए पत्ते गोभी को डाल देंगे। तो दोनों डाल दें, जो हमने बिना बेसन का बनाया है वो भी और जो बेसन से बनाया है वो भी, और इसे एक बार चला लेंगे।
और अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो लीजिए फ्रेंड, 2 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है और इसका लुक देख सकते हैं फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।